बात करते हैं लाहौर से, जहां साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग से इनका ड्राइवर जख्मी हो चुका है। लाहौर के इलाके डिफेंस में साबिक गवर्नर पंजाब के घर पर नामालूम अफराद की जानिब से रात गए फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में इनका ड्राइवर जख्मी हुआ, जबकि फायरिंग करने वाले अफराद फरार हो चुके हैं। लतीफ खोसे का इस हवाले से कहना था कि नामालूम अफराद ने घर पर फायरिंग की जो इतनी शदीद थी कि गोलियाँ घर के दरवाजे को चीरती हुई अंदर खड़ी गाड़ियों को लगी और फायरिंग से मेरा ड्राइवर जख्मी हुआ। जबकि दूसरी जानिब एसपी कैंट अवैस शफी फायरिंग के वाक़े के बाद साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के घर पहुंचे। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लतीफ खोसा के घर पर पिस्टल और राइफल से 7 फायर किए गए। एक गोली गैराज में मौजूद ड्राइवर जावेद को लगी, जिसे जख्मी हालत में तबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि पुलिस हुकाम के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से हमलावरों की शिनाख्त में मदद ली जा रही है।